The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of vector 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1, then find the value of lambda. So first आपको एक बार क्वेश्चन समझना है. क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, इन द क्वेश्चन यू आर सेइंग कि आपके पास मैं यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है 2i, एक वेक्टर आपके पास है 2i plus 4j minus 5k और दूसरा वेक्टर आपके पास गिवन है lambda i plus 2j plus 3k. पहला काम ये करना है कि आपको इन दोनों वेक्टर का एडिशन पता करना है, मतलब सम पता करना है. और इसी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर भी रिक्वायर्ड है और उस वेक्टर का जब आप i plus j plus k से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है. तो आपको पता करना है कि लैम्डा कितना होगा. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ये दो वेक्टर हैं, मैं लेट इनको लेट कर लेता हूँ कि ए वेक्टर मेरे पास है, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j माइनस 5k यूनिट वेक्टर. और बी वेक्टर हमारे पास है, बी वेक्टर हमारे पास है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3 ऑफ k यूनिट वेक्टर. द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर. पहले इन दोनों वेक्टरों का एडिशन आपको निकालना है. तो जब मैं एडिशन निकालूंगा तो ये आएगा लैम्डा प्लस 2 इंटू आई, क्योंकि जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट को ऐड करना है, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ ऐड करना है और के कोएफिशिएंट को के साथ ऐड करना है. तो अगला टर्म हमारे पास बन जाएगा, सिक्स ऑफ जे वेक्टर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ के यूनिट वेक्टर. सो दिस इज एक्चुअली ए प्लस बी वेक्टर के. अब अगला टास्क है, मुझे इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी रिक्वायर्ड है, तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए तो ये बराबर होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए के. मतलब आप किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है. मींस अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे रिक्वायर्ड है तो ये बराबर होगा लैम्डा प्लस 2 इंटू आई प्लस 6 ऑफ जे, माइनस 2 ऑफ के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको आप 4 लिख सकते हैं. तो ये हमने एक स्टेप यहाँ पे खत्म कर लिया है. हमें बोला गया था कि आप ए प्लस बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पता करिए और ये वेक्टर मैंने पता कर लिया है. अब चलते हैं क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट पे. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मैंने जब इस वेक्टर का, जो कि आई प्लस जे प्लस के है, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मतलब डॉट प्रोडक्ट जब हमने निकाला तो ये 1 के इक्वल आता है. तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको आई प्लस जे प्लस के से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है आई प्लस जे प्लस के से. फाइन. तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 डॉट आई प्लस जे प्लस के. तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा. अब हमें इसे फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फर्दर कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, जे के कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना होता है और के कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना होता है. मीन्स ये बन जाता है लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, प्लस 6 इंटू 1, मतलब ये टर्म को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 इंटू 1, तो जिसको आप माइनस 2 ही केवल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4. और क्वेश्चन में गिवन है कि ये डाटा 1 के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेयर. तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, बस अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे. तो ये बनता है लैम्डा प्लस 2 प्लस 4, ये तो लेफ्ट में बन गया, ये 6 माइनस 2 आपका 4 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस
टू का होल स्क्वायर प्लस एंड 36 एंड 4 इसकी बात करें तो यहाँ पे ये बनता है 40k। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए वैसे मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू में आप चेक कर सकते हैं, वैसे स्क्वायरिंग करके आपको लैम्डा निकालना चाहिए। चलिए मैं वही कर लेता हूँ। लेफ्ट में बनेगा लैम्डा प्लस 6, दिस इज लैम्डा प्लस 6, और राइट में हमारे पास है लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40k। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे गिवन इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायरिंग वगैरह करना है, तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 40k। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 12 लैम्डा और 4 लैम्डा इसकी बात करें तो ये आपका 8 लैम्डा जनरेट होता है। ये आपके पास है 40 प्लस 4 की बात करें, दिस इज 44 माइनस 36, और यहां से आता है 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, या फिर आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिविंग कंडीशन विल फॉलो इट।